हेलो जी, मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। की हाल चाल, ठीक ठाक हो? सो अज की वीडियो में आप देखांगे रजत फैमिली तो एक व्लॉग, एक प्रैंक कि उन्हें कर लिया निकाह। सो यह प्रैंक सीगा, तुसी मैं पिछले इन्हों के व्लॉग के जेडे मैं रिएक्शन किए उन्होंने कमेंटा के मैं क्या कि इस वीडियो के जरा रिएक्शन करो तो बहुत मजा आएगा, बहुत फनी है, बहुत अमेजिंग है। सो देखा थोड़े नाल विदाउट वेस्टिंग टाइम। जेकर तुसी रजत फैमिली पसंद करते हो तो अपने अपने रिएक्शन भी जरूर देखो एंड नैवर फॉरगेट टू सबसक्राइब। हुणे हुणे सबसक्राइब कर लो क्योंकि मैं चैक किए हैं डैशबोर्ड के यार तुसी सबसक्राइब किए बिना वीडियो देख के चल जाते हो पर सबसक्राइब नहीं कर रहे। जल्दी तो जल्दी सबसक्राइब करो तो आप 1,00,000 सबसक्राइबर अपने चैनल पूरे होन ते आपां इदां वधिया वधिया वीडियोस तुहाडे लई लैके आउंदे रहीए। हाजर इदां ही हुंदा रहां मैं तुहाडे लई। सो जस्ट सबसक्राइब। सो वीडियो देखण लई सर तो आज सीन ऐसे है, बहुत दिनों से आपने शोर मचाया हुआ है कमेंट सेक्शन के अंदर, फेक मैरिज प्रैंक, फेक मैरिज प्रैंक, फेक मैरिज प्रैंक। और आप लोगों को पता है कि जब आप किसी चीज की जिद करते हैं तो आपका भाई उस चीज को डिलीवर करने में जरा टाइम नहीं लगाता। लेकिन फेक मैरिज प्रैंक करने के लिए भी दिन तो शादी वाले आने चाहिए। मुहर्रम सफर के अंदर मैं फेक मैरिज प्रैंक भी करूंगा तो वो बहुत ही ज्यादा फेक लगेगा, कोई मानेगा ही नहीं कि मैंने ऐसा प्रैंक भी किया और मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं। खैर, आज मुहर्रम खत्म हो गया, सफर खत्म हो गया, रबीउल अव्वल का महीना तो आप लोगों की डिमांड थी, उसको पूरा करने के लिए आपका भाई हाजिर हो चुका। मैं करने वाला हूँ फेक मैरिज प्रैंक, मतलब मैंने निकाह कर लिया घर वालों से चोरी छुपे। और मेरे इस नेक काम के अंदर मेरे साथ शामिल हैं बाबा असर, मैं खुद और अवैस। ठीक है, हम सब मिलके एक टीम बनाएंगे और हमारी अपोजिट टीम है अकेली अम्मा। हमने प्रैंक करना है सिर्फ अम्मा के साथ क्योंकि हम सबके ऊपर अकेली अम्मा ही भारी है भाई। बात तो सही है। सही है। आती है कि दुल्हन कहाँ से लेके आओगे रजत भाई? दुल्हन तो ना रियल में मिल रही है ना आपको प्रैंक के लिए मिल रही है, तो कोई मसला नहीं है। ये बैठा ना मेरा, चेक करो चेक करो इसकी, हमारी दुल्हन ये बनेगी। अच्छा जी, मैं पहनने वाला हूँ शेरवानी जो मैंने गजल की शादी पे सिलवाई थी। असद को हम पहनाएंगे शलवार कमीज और उसके ऊपर कोई भी ब्राइडल दुपट्टा। अब वो ब्राइडल दुपट्टा हम अम्मा का निकाल लेंगे, गजल का कोई ना कोई पड़ा होगा वेलवेट का, रेड या ब्लैक कलर का। उसके बाद अगर नहीं मिलता घर से तो खाला की तरफ से भी हम अरेंज करवा लेंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। भाग के शादी किया तो अब पूरा का पूरा ब्राइडल सूट तो उसने नहीं पहना होगा ना, शलवार कमीज के ऊपर दुपट्टा लेके गाड़ी में उसको बिठाना है। अम्मा आ जाएंगी आधे पौने घंटे तक, तब तक हम अपनी सारी तैयारी कर लेते हैं। अम्मा आती हैं, साथ ही करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। जी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आज मैं थोड़े नाल पहले रिंट्रो देख रहे हैं ना भी, थले कमेंट करके कहने हो भाई स्किप ना करया करो, स्किप ना करया करो। ओके जी, तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि जैसे ही कोई नया व्लॉग अपलोड होगा आपको फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आज सुबह मैंने यूट्यूब के एनालिटिक्स जाके देखे तो वहां पता लगा कि हमारा चैनल जो देखते हैं लोग, जो हमारे व्लॉग देखते हैं, अभी भी 49% लोग अनसब्सक्राइब्ड हैं। बस 49 पाजी, इधर 67 ते गल पहुंची पई है, साडे वाले 67% है वी वीडियो देखदे है, सब्सक्राइब नहीं करदे। सब्सक्राइब करो यार, यार ज्यादती है वैसे ये। हां बेगम, क्या सीन है? शोहरे नामदार सीन ऑन है। आए शोहरे नामदार सीन ऑन है, वैसा क्या सीन है? शेरवानी वैसा ठीक है, हार का बंदोबस्त मैं कर देता हूं और ब्राइडल जो दुपट्टा वो मैं खाला से अरेंज कर देता हूं आपको। यार क्या सपोर्टिव फैमिली है यार, वो कह रहा है शेरवानी प्रेस है, हार का बंदोबस्त भी कर देता हूँ, मतलब पूरा रियल लग रहा है भाई निकाह करके आए हैं। ठीक है, और जो दुपट्टा है जो हमने असद को पहनाना है वो खाला की तरफ से अरेंज कर लेते हैं, तैयारी शारी पूरी करते हैं। असद को मेकअप मैं खुद करूंगा, लिपस्टिक शिपस्टिक लगाएंगे सब, ठीक है? नहीं यार, लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाएंगे, हमारा बच्चा कॉलेज जाता है ऐसे उसका मजाक बन जाएगा। हम दुपट्टा वगैरह कवर कर लेंगे, वैसे भी उसने गाड़ी में बैठना है, उसको मैंने बाहर लेके नहीं आना, गाड़ी में बैठाना है। अम्मा जी, जो आपकी दुल्हन है ना, जो आपकी बहू है, वो बहुत नाजों वाली है, वो बाहर नहीं आ रही, आप उसको काइंडली अंदर आके गाड़ी में मिलने। अम्मा ने कहना गड्डी की टायर मार देना। अच्छा जी, हमारे इस प्लान के जो बाकी मेंबर्स हैं वो तो बहुत चालाक हैं, मुझे उनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे इनकी शक्लें आप देख सकते हैं, पीछे रह गए सिर्फ मेरे भोले बाले पापा। पापा को हम समझा देते हैं कि पापा से हमें सपोर्ट सिर्फ इस तरह की चाहिए कि जब मैं अपना काम सर अंजाम दे रहा हूँ तो पापा ने सिर्फ एक ही बात अम्मा से कहनी है कि चल जान कोई गल नहीं, मुंडा 28 साल का हो गया, निकाह कर लिया तो खैर कोई गल नहीं, असी बहू नु कबूल कर लेने हैं, और पापा से हमें किसी तरह की सपोर्ट नहीं चाहिए। ठीक है भट्ट साहब,
मैं तेरा साथ दवांगा, मैं बोलांगा नहीं, मैं उस तरह तेरा साथ दवांगा। ओ ना होए कणक दे नाल गेहूं भी फस जावे, पिस जावे सारे, तैनूं घरों कढे ते मैनूं भी नाल घरों कर देवे। कहंदे मैं तेरा साथ दवांगा, मैं बोलांगा नहीं, मैं चुप रहांगा। यार ये कैसा साथ है यार। चलो खैर, आप ना मेरी साइड लेना ना मेरे खिलाफ बोलना, ठीक है? डन हो गया? खामोशी रख लेना, ओके? चलो यार तैयारी स्टार्ट करें, निकालो शेरवानी वगैरह, हार का बंदोबस्त करो, असद के लिए दुपट्टे का बंदोबस्त करें, अम्मा आने वाली होंगी। लो भाई, आए आए आए, शेरवानी आ गई, ठीक है? ये हार आ गया। ये हार कहाँ से आया? अम्मा लोग कल आए थे ना ज्यारतों से, तुमके पास था। अम्मा ज्यारतों से आई है ना कल, गजल अम्मा वगैरह सारे, तो उनके पास ये हार था। मेरा ख्याल है उनको कहीं से किसी ने पहनाया होगा, ये हार हमारे काम आ जाएगा, मुफ्त का हमें हार मिल गया। और ये आ गई मेरी शेरवानी जो मैंने गजल की शादी में पहनी थी, ये प्रेस ही है। आए 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 आए, शलवार कमीज पहन लिए बच्चे ने। हाँ जी, अब और क्या चाहिए? अब बस दुपट्टे का इंतजाम कर लो भाई। दुपट्टा खाला की तरफ से लेके आओ, ब्राइडल दुपट्टा जरा फुल और थोड़ा सा लंबा हो, खुला चौड़ा सा हो, ताकि इसका शलवार कमीज जितना कम नजर आए उतना बेहतर। रहना इसने गाड़ी के अंदर ही है, लेकिन स्टिल दुपट्टा जरा बड़ा। ओके ओके जी, बस अवैस दुपट्टा लेने गया, रेडी हो जाऊंगा, शेरवानी पहननी है, असद ऑलमोस्ट तैयार ही है, बस दुपट्टा ही ऊपर लेना। अम्मा की कॉल आ गई है कि वो 10-15 मिनट के अंदर अंदर घर पहुंच जाएंगी। दुपट्टा है, मैं पर्दा लग रहा है। बात रहनी नहीं चाहिए कि पकड़ा जाऊं मैं। लो जी, ओके, देख लो, खुश हो जाओ, बस काफी है। आ यार बैठ जल्दी कर। बड़ी गर्मी है भाई, किसी दुख से मैं शादी नहीं कर रहा यार। बेगम तू तो रेडी हो यार, यार इसको प्यार करना, अम्मा किसी भी टाइम आने वाली होगी, दुपट्टा शुपट्टा पूरा इसको कवर कर, कहीं से इसकी शलवार की नजर ना आएगी। अम्मा ने बाहर आके इसको देख रहा है, तो ये पूरी कवर होनी चाहिए। धन्नो रेडी हो जाओ ना। रेडी हूं, रेडी हूं, रेडी हूं। लो जी, यहाँ मेरी बेगम तैयार हो रही है, और ये हमारा मेकअप आर्टिस्ट है। एसी वगैरह मैंने गाड़ी का चला दिया कि मेरी बेगम का जो मेकअप है ना वो खराब नहीं होना चाहिए। भाई इसका चेहरा पूरा छुपा दे, हाथ शाथ तू शलवार के अंदर ले ले, ट्राउजर की जेब में हाथ ले ले, तेरा कुछ नजर ना आए मर्दाना, ठीक है ना? ऐसे क्या बात है, घूंघट नीचे करो, शाबाश। और पूरा तुम शर्म वाली हो, लाज तुम्हें आ रही है, तुमने देखना नहीं ऊपर, ठीक है ना? ऐसे हाथ पीछे करो, ऐसे। हाय शाबाश बब्बर शेर। और यार ये तो कवर कर, शलवार कवर कर इसकी, ऐसे ये सही है। ओके जी, मैं और मेरी नकली बेगम रेडी हैं, अब बस इंतजार हो रहा है अम्मा के आने का। जैसे ही अम्मा को मैं गुजरते हुए यहाँ से देखूंगा, हम लोग अंदर चले जाएंगे, मतलब मैं अंदर चला जाऊंगा। देख ली क्या कर रही है, नमाज पढ़ रही है, चल मां आ गया। ओके चलो जी, बिस्मिल्लाह रहमान, शुक्र लगा। हाँ जी, शादी कर ली थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए प्रैंक है, प्रैंक। बिस्मिल्लाह रहमान, मोबाइल पकड़ ले, मोबाइल पकड़ ले, तो मोबाइल पकड़ ले, पकड़ ले। आपसे बात कर रही है, पढ़ लो नमाज फिर करते हैं बात। मैं सही कहती हूँ, तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, दिमाग घूम गया है। बंदा बात करे क्या, पहले ही नाक पे गुस्सा रख के बैठे, नमाज पढ़ लो करते हैं। तुम्हारा गेटअप देख के मुझे कुछ खुड़क रहा है, अब ये नहीं समझ आ रही क्या किया तुमने। मैं कर दू, हट जाओ पीछे, मैं कर देता हूँ भाई, कर देता हूँ, क्या हो गया है, हद हो गई यार। चलो ओके, अच्छा जी बात आपसे करनी है कि इन्हें गल करनी, आंटी ने ध्रुआ फट के मारनी है। मां की बात नहीं करूंगा,
मैं कोई 17-18 साल का बच्चा नहीं हूँ, अपने अच्छे बुरे का मुझे नॉलेज है, इतनी अकल समझ है मुझे। करो मैं मुहर्रम सफर खत्म होने का इंतजार कर रहा था, पापा को इस बात का पता है, मैंने उनको लूप में लिया हुआ था। आपसे 2-4 बार मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन आपने कोई कोऑपरेटिव आंसर नहीं किया। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं बस ना वेट कर रहा था कि मुहर्रम सफ़र 100 के दिन जो है वो ख़त्म हो। तो मैं एक लड़की को पसंद करता था, मैंने आज निकाह कर लिया। आई तो पड़ा जंग यार, जवान लड़के पे मैं हाथ नहीं उठाते, हाथ नहीं उठाते, तुझे पता नहीं मेरा, मेरे से मजाक में भी ऐसी बात ना करना, सेक दूंगी हड्डियां तुम्हारी में। मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ सर, कि अगर मैं आपको बता देता आप जाके रिश्ता लेके जाते, चलो उस तरीके से हो जाता। चपेट मार दी ना, 28 साल उम्र होगी मेरी। अच्छा तो मैं मार खाता आपसे। जब मैंने कहा कि तुम्हारी शादी मैं खुद करूंगी, क्यों ऐसे नहीं होता? इस तरह काम करेगा थप्पड़ एक और पड़ेगा, मैं मजाक में ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने निकाह कर लिया है मम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं पागल का कान लगता हूँ आपको? ये मैं गर्मी के अंदर शेरवानी पहन के, ये बूट पहन के, ये हार पहन के बैठा हूँ, गाड़ी में बैठी हुई है वो, मैंने निकाह कर लिया है, आपसे झूठ बोलने की मुझे क्या जरूरत है? कौन है, कौन बैठी गाड़ी में? रजे भरी मेरे से बस करवाई, कौन सी बात है? मैंने निकाह किया है, क्या हो गया आपको यार मम्मा? कौन है वो, किसे तूने निकाह? ओए मम्मा, मेरे निकाह, मम्मा मेरे निकाह का हार है, मम्मा मेरे निकाह का हार, किसे कह तूने निकाह? तेरे में प्रोसेस से मम्मा जी, मैं निकाह का हार है तोड़ दिया, पहला निकाह था मेरा, निकाह तेरा पहला, मैं करवाती तेरा निकाह, मैंने छोड़ दिया घर की, मैंने रहना नहीं यहाँ पे, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी, थप्पड़ों को नहीं जानता तेरा, मैं गाछ वाती हूँ, समझा लो इनको। गाड़ी में बैठा गया, कौन है वो? तेरी इज्जत है मैं देखती हूँ, कौन है वो? आपको मैंने मिलवाना, उसे आपको मैंने नहीं मिलवाना, आप यहाँ बैठे, आपने हाथ तोड़ दिया मेरा, मेरा हाथ, हाँ मेरा हाथ तोड़ दिया ना आपने, तेरा मैंने मुंह भी तोड़ना है, मेरी थोड़ा है, मैंने स्क्रिप्ट पे क्यों लग गया है, तेरी सास भी ऐसे कर जाती है, ये मैं वैसे काटता से ना, एक आप अपनी बेगम को रखे, मम्मा जी मेरी, मम्मा जी मेरी बात सुन लो, मेरी जूती फाड़ के ला, जूती वाली किसे है? मेरी बात सुनो, बात करो, बात करो, मेरी बात सुन लो, अच्छा जो ने किया ठीक है, ठीक ठीक है, मेरी बात सुनो, उनकी बात सुन लो, 28 साल का हो गया, कोई बात नहीं, जवान लड़के लड़के थे, अरे जूती ला, 28 साल का हो गया, तेरा ब्याह जो मैं करी, मैं अंकल पहले तो क्या कोई गल नहीं, जो आंटी ने वेख्या अंकल कहन तो लगे सी, फिर क्यों हो गया ब्याह करा लिया, 28 साल का हाथ नहीं चुकी दा। मैंने अपनी पसंद का करना था, मैंने कर लिया, क्यों क्या कर, मां पे का फर्ज था, अंकल हंसने आ गए, मेरा कोई फर्ज नहीं, मैंने वादा जो किया उसके साथ वो मैं स्क्रिप्टेड नहीं का, जड़ी अंकल दी स्माइल आई है वे स्क्रिप्ट नहीं है, मैं क्या लिखा ना करी 30 साल का, मैं तो माफ क्यों करेगा मम्मा, मैं आपकी मेहरबानी है, मेरी बात सुन लो, आपने उससे नहीं मिलना चाहती, मैं उसको भी ले जाता हूँ, मैं जहाँ मर्जी रखूँ, मेरी जिम्मेदारी है। मैं तेरे गल दसा, मैं तेन पैदा किया, तेन पालिया पोसिया, इतने के रही इस वास्ते नहीं किया, तू मेरे को कुछ गाल खाया है, तू कुछ करता है, कुछ वाली क्या बात है, आजकल लड़के लड़कियों को बेचारे को लारे लगाते हैं, शादियां नहीं करते, मैंने जिसको लारा लगाया मैंने उससे शादी की है, ड्रामेबाजी नहीं मैंने की, तुम्हें ये नहीं पता कि माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी होती है अपनी औलाद की शादी, आपने गदर की शादी कर ली थी, बेटे की शादी, जब आपने गदर की शादी मुझसे करवानी थी ना, तब भी आप मुझे कहते थे मेरी एको एक थी, ये मैं सारे चाह पूरे करांगी, आपने सारे चाह पूरे किए, अब आपके चाह मेरे पे आ गए, मैंने कर तो नहीं शादी, आप वलीमा कर लो, क्यों कर लो तेरी, मैं बताती हूँ मम्मा जी, वो भी मम्मा जी बेशक एक आंख हो पेशेंट चार हो, माँ बाप का ये फर्ज है, ये माँ बाप की खुशी है, आपका फर्ज मैंने पूरा कर दिया ना, उनकी तेरी शादी भी तेरे माँ बाप नहीं है, हम लोग पिछे पिछे आंटी ने देखा ना कि कैमरा आ रहा है पिछे पिछे, आ फिर कट है थे, ता करके मैंने थोड़ा स्क्रिप्टेड लगा है, आपकी मेहरबानी है, तमाशा ना लगाओ यार, जाओ तमाशा, मैं तुझे बताती हूँ, तू मेरी मेरी बात करवा, मैं देखती हूँ उसको, कह दे
जाना पीछे के बैठो मम्मा जी, उसने नहीं करनी बात। क्यों नहीं करनी बात उसे? मम्मा वो तमीजदार खानदान से है, वो बड़ों क्या के नहीं बोलते। तमीजदार खानदान का वैसे गूंगी है। गूंगी? हाँ ठीक है, आपकी मेहरबानी, आप जाएं, उसने नहीं बात करनी। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बताओ ये है कौन, अपना नाम बताया पहले मुझे। यार नाम क्यों बताया आपको, हमने अपना लाइफ का एक स्टेप लिया है, आप जलील कर रहे हो यार सड़क के ऊपर। मम्मा ये स्टेप तुम लोगों ने लिया, ये लेने वाला स्टेप। बंद कर बकवास, फिर बार बार करी। बेटे मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? यार हाथ ना लगाओ यार। क्यों ना हाथ लगाओ पुत्र? मेरी तेरी बेगम, मैं हाथ ना लगाओ तेरी बेगम, मैं की करा मेरा कल्ला कल्ला पुत्र की काला मन जाम बिता। यार इवन के स्क्रिप्टेड भी होवे कोई गल नहीं, अपन एंटरटेनमेंट तो मिल रहे ना, एंजॉय करो। तो मैं दसो कौन है, कौन है? लड़की है यार मम्मा। ओए लड़की तो है, किसकी बेटी है, क्या इसके बाप का नाम है? मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा जब आप सुनने की उसमें होगा ना टेम्परामेंट में, तब बताऊंगा। मैं कैसे टेम्परामेंट में हूँ, बगैर तो मेरा कल्ला कल्ला पुत्र, ये क्या तुम्हें क्या मुझे तुम्हें मम्मा जी क्या यार। मैं इसको देख रहा हूँ कौन है, तू कौन है आपकी मेहरबानी ना करो, तुम्हारा सड़क पे ना लगाओ यार। मम्मा जी दुल्हन मेरी दुल्हन डिग गई, दुल्हन डिग गई, मुझे बता दिया आ गया, अब मुझे खाला क्या कहे। यार मम्मा मेरी कमर में दर्द हो रही है, बस कर दो यार। सही मुंगा बात बस कर, मेरी कमर में दर्द है, मैंने थाई लानी है। टक्कर मारो, टक्कर मारो, मारी टक्कर। तो ये काम करना शुरू किया है मैंने। ओ सही तो हूं अंडा दे दूं अब। टक्कर मार, मार, टक्कर मार। बस यार मम्मा मजाक कर रहे यार, मजाक करने वाले करो हार फिर बगैर तो कमर में दर्द है आपको। वैसे मैं एक चीज बड़ा खुश हूँ, आपको ऐसी फीलिंग तो आई कि मेरे साथ कोई निकाह करेगी बाप के। हैं वैसे गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, इनको लगा निकाह करेगी मेरे साथ। तो दिल ही गया तेरा, मैं फांसे ना सेकता है ऐसे काम लगी है तुमने चलो उनके काम। अच्छा बुड्ढी माँ तंग करते है, तो ब्लॉग एंड कर दो बस, मेरे से नहीं होगा। ब्लॉग एंड कर दो, कर दो एंड कर दो भाई। अब खराब है अपनी बेगम से ब्लॉग एंड मैं देखूं। बेगम ब्लॉग एंड कर, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती है मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। सही है गाइस, इस गी देख वीडियो जी दे विच आपां देखिया एक प्रैंक सीगा, प्रैंक मैनू तां स्क्रिप्टेड लगा, ठीक है पवा होवे भी यार, हू केयर्स, फिर की है स्क्रिप्टेड है, आपां नूं एंटरटेनमेंट दित्ता यार इन्हां ने प्योर। मैं सगों चाहुंदा हुंदा कि जिहड़े व्लॉगर्स आ ना उह कुछ इदां दा कर लिया करन, माड़ा मोटा हल्का फुल्का, ज़्यादा तगड़ा प्रैंक भी नहीं, तां जो ना आपदी परसनल लाइफ ना दिखाण ज़्यादा, है ना, ते बस इदां दी चीज़ां करके लोगों नूं एंटरटेनमेंट जिहड़ा दिंदे रहन। ते अमेजिंग सी वीडियो, वधिया सी, मैनूं तां घैंट लगी, तुहानूं किदां लगी थल्ले कमेंट करके जरूर दस्सिओ। हुण मैं भी तुहाडी जिहड़ी ख्वाहिश सी उह पूरी करती है, हुण तुसीं भी मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, चैनल सबसक्राइब करके जायो, बिना सबसक्राइब किते ना जायो, ठीक है। सो इहदे हुण मैं कोई रिव्यू तां करूँगा नहीं, बस मैं इंजॉय किया इहनूं तुहाडे नाल, आपां सारिआं ने रल के किया, ये नहीं बहुत है। सो मिलते हैं अगली वीडियो च, सत श्री अकाल। अरे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर जरूर कर ना बोल।